Assalamu alaikum dear students, hope you are fit and fine, you are doing well. This is our lecture number 3rd from the chapter chemical reactions and equations. In the previous lecture we have discussed chemical equation, types of chemical equation and how to balance a chemical equation by heat and trial method. Now in today's session we are going to discuss one more important topic from the same chapter, and the topic is types of chemical reactions. Myself Shakil Ahmed once again welcome all of you to the batch UKAB 1.0, जहां से आपको सारे subjects के video lectures free of cost में मिल रहे हैं। चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज के session को start करते हैं। सबसे पहले देखेंगे chemical reactions के कितने types है, तो बहुत सारे types, लेकिन आपके syllabus में जो chemical reactions के types है वो आपकी screen के सामने है, तो आप पहले इनको देख लीजिए। आज के session में हमने इन types को सारे टाइप्स को डिस्कस करना है वन बाय वन। पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आज के सेशन में डिस्कस होने जा रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके बाद सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिर उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शंस, और एट द एंड हम आपको पढ़ाएंगे कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के साथ। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है यहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं वो आपको सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल सब्सटेंस देते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो दोज रिएक्शंस इन विच टू आर मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इट इज सो सिंपल एज इट इज। अगर जनरली इसको दिखाना होगा कैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जनरली दिखा सकते हैं, आपके पास एक सब्सटेंस है ए, आपने दूसरा सब्सटेंस लाया बी, दोनों सब्सटेंसेस को आपने कंबाइन किया, रिएक्शन हुई। अगर यहां पे आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है सी, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा होंगे यहां पे दिखाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, इस रिएक्शन में तीन सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और आपको यहां पे सिंगल सब्सटेंस दे रहे हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, या वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर हुआ? इसके बाद इसमें एग्जांपल्स आपको बताएंगे। नंबर फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम, याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब रिएक्ट होता है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, कितने सब्सटेंसेस, कितने प्रोडक्ट्स यहां पे बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा बनाएंगे कि सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, दे फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, और उस सिंगल सब्सटेंस का नाम है CaOH2, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड एज, इसको हम सिलेकेड लाइम कहते हैं, याद रखना ये भी, सिलेकेड लाइम एंड क्विक लाइम आपके एग्जाम में आता है। यहां पे दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए यहां पे पहले देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड, इसको बैलेंस करेंगे। फिर यहां पे आप ये कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन एक यहां पे, एक यहां पे, तो ऑक्सीजन यहां पे दो, हाइड्रोजन यहां पे दो, हाइड्रोजन यहां पे दो, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। आपको पता है कोल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, और ये कब बर्न होगा, जब ये किसके साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ, इसकी कंबशन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। यहां पे आप बताइए ये जो आपने रिएक्शन दिखाई इसमें कितने सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट आपको कितना मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं ना, वो रिएक्शंस जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं,
such type of reactions are called as combination reactions. तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है, ये भी combination रिएक्शन की एग्जाम्पल है. इसके बाद नंबर थर्ड, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम मेटल को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका मैग्नीशियम है, इसकी कंबशन हम करेंगे. और इसकी कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहां पे भी आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, और वो सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा, दैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहां पे ऑक्सीजन दो, यहां पे ऑक्सीजन एक ही, तो यहां पे हम टू मल्टीप्लाई करेंगे. टू मल्टीप्लाई करने से आपके मैग्नीशियम दो हो गए, तो यहां पे हम टू मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट में, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ऐसे ये बैलेंस हो गई. तो यहां पे भी आप देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो सबस्टेंसेस कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, साइज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. हो गए पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल. अब इस एग्जांपल पे आते हैं, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड. चलिए इसकी एग्जांपल आपको दिखाते हैं, अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड. अमोनिया की फॉर्मूला क्या है, इट इज NH3. इसको आपने किसके साथ कंबाइन करना है, ये हमारा NH3 है विच इज कॉल्ड एज अमोनिया. इसको हम कंबाइन करेंगे किस कंपाउंड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. फॉर्मूला क्या है, इट इज H2SO4. क्या देते हैं, टू गिव अमोनियम सल्फेट. यहां पे निकलता है NH4 सल्फेट ग्रुप की पॉलीएटॉमिक ग्रुप है यहां पे, तो उसकी जो वैलेंसी वो 2 यहां पे आएगी, और यहां पे हम लिखेंगे SO4. इसकी वैलेंसी वो 1 है, वो यहां पे आएगा. अब इसमें आप देखिए कितने सबस्टेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, दो सबस्टेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है. जब दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगा. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, साइज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. अब इसमें देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है. यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे नाइट्रोजन ब्रैकेट, यहां पे ये 2 नाइट्रोजन का भी है, हाइड्रोजन का भी है, यहां पे नाइट्रोजन एक ही है, तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करें, सो दैट ये भी 2 बन जाए, क्योंकि यहां पे जो फॉर्मूला ये चेंज नहीं होगी. यहां पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई करने से जो आपके नाइट्रोजन 2 हो गए, यहां पे नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन यहां पे आप देख लीजिए, हाइड्रोजन 3 2 R 6 प्लस 2 हो गए 8, 4 2 R 8. यहां पे उसके बाद सल्फर एक ही है, इसमें आप देख लीजिए यहां पे सल्फर एक ही है, यहां पे सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन यहां पे 4 है, तो ऑक्सीजन यहां पे 4 है. ये 2 डालने से, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करने से ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड. इसके बाद एक और एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड. ये यहां पे हम ऐसे दिखाएंगे, आयरन ये जब रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ, तो दो सबस्टेंसेस एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फेरिक क्लोराइड FeCl3. अब पहले बताइए ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है. दिस इज अनबैलेंस्ड, क्योंकि यहां पे क्लोरीन कितने, 3, यहां पे क्लोरीन 2 ही है. अगर यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्लोरीन यहां पे 6 हो गए, यहां पे क्लोरीन 2 ही है. मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सो दैट ये भी 6 बन जाए. ये पे मल्टीप्लाई आपने 3 करना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, तो 3 मल्टीप्लाई यहां पे करने से ये क्लोरीन के एटम्स इस साइड से 6 हो गए, इस साइड से 6 हो गए. मगर जो अभी आपने 2 यहां पे मल्टीप्लाई किया आयरन के आगे, आयरन 2 हो गए, यहां तो आयरन 1 ही है, इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, सो दैट ये भी 2 हो जाए, तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए. ऐसे ये जो केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस. टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस का मतलब सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ स्लेकर लाइम मैंने बताया, बर्निंग ऑफ कोल, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम. इन सारे एग्जांपल्स में आपने देखा दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर आपको सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. हो गया पहला टाइप. चलिए दूसरे टाइप पे आ जाते हैं, वो है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, ब्रेक होना. यहां पे उल्टा हो रहा है, वहां पे दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे रहे थे, यहां पे एक सबस्टेंस ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस. ऐसी रिएक्शंस जहां पे आपका जो रिएक्टेंट वो एक ही होगा, मगर यहां पे प्रोडक्ट्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं.
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा हो सकते थे लेकिन आपका प्रोडक्ट एक ही था. बट इन इन दिस टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपका जो रिएक्टेंट वो एक ही होगा और जो आपके प्रोडक्ट्स वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट्स या ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस बाय अप्लाइंग हीट इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. जनरली कैसे दिखा सकते हैं, ये आपके पास सिंगल सबस्टेंस है, यू हैव सिंगल सबस्टेंस हियर ए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया रिएक्टेंट आपका एक ही होता है और वही रिएक्टेंट वो स्प्लिट होता है इंटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस बाय अप्लाइंग हीट सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी. तो ये तीन कंडीशंस अप्लाई करने से आपका जो सिंगल सबस्टेंस ये स्प्लिट होता है इंटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. चले यहां पे एग्जांपल आपको दिखाते हैं या जनरली पहले बताएंगे कैसे ऐसे रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है. ये आपके पास एक कंपाउंड है सिंगल कंपाउंड, इसको हम अप्लाई करेंगे क्या, या तो हीट अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे या सनलाइट अप्लाई करेंगे. ये रिएक्शन कंडीशन है, आपके पास सिंगल सबस्टेंस है, सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट हो रहा है. मान लीजिए यहां पे ये स्प्लिट हो रहा है इनटू बी प्लस सी. ये जो सिंगल सबस्टेंस यहां पे ये स्प्लिट हो रहा है इनटू बी प्लस सी. आपके पास एक सबस्टेंस था, एक रिएक्टेंट था, आपने उस रिएक्टेंट को क्या सप्लाई की, आपने उस रिएक्टेंट पे क्या डाली, आपने उस पे हीट दी या आपने उसको हीट दी, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी पास की, आपने उस पे सनलाइट डाली. तो सनलाइट हीट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से ये आपका सिंगल सबस्टेंस ये स्प्लिट हुआ इंटू टू सिंपलर सबस्टेंसेस. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एक और एग्जांपल, आपके पास एक सिंगल सबस्टेंस है, आप यही तीन इस पे अप्लाई कीजिए इलेक्ट्रिसिटी हीट या सनलाइट, ये स्प्लिट हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी. सिंगल सबस्टेंस यहां पे स्प्लिट हो रहा है इंटू थ्री सिंपलर सबस्टेंसेस. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दे आर टोटली अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. क्लियर हो रहा है? तो वो रिएक्शंस जहां पे सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट होता है इंटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस बाय अप्लाइंग हीट इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट. सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. Now, what are the different types of decomposition reactions? अब जो आप decomposition करते हो, या तो आप heat से करते हो, या आप electricity से करते हो, या आप sunlight से करते हो. On that basis, our decomposition reactions, they are of three types. First one is called as thermal decomposition reaction. Therm का मतलब होता है heat. वो decomposition जो होगी by applying heat. यानी अगर कोई single substance split हो रहा है into two or more simpler substances, by applying only heat. Such type of decomposition reactions are called as thermal decomposition reactions. So, therm ka matlab hota hai heat. Yaad rakhna, therm ka matlab hota hai heat. Aisi reactions, aisi decomposition reactions, jo heat ki wajah se hote hain. Yahan pe agar aise dikhayenge, ye aapke paas ek single substance hai. आपने इस सिंगल सबस्टेंस पे क्या अप्लाई की, आपने इस पे हीट अप्लाई की. जब हम इस पे हीट अप्लाई करते हैं, ये ब्रेक होता है इनटू ए प्लस सॉरी बी प्लस सी, स्प्लिट हो रहा है टू आर मोर टू सिंपलर सबस्टेंसेस. मगर कैसे स्प्लिट हो रहा है, बाय अप्लाइंग हीट. तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल्स यहां पर आप याद रखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. आपके पास एक कंपाउंड होता है PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड एज लेड नाइट्रेट. ये सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट होगा इनटू थ्री सिंपलर सबस्टेंसेस. मगर कब, जब इस पे हम क्या अप्लाई करते हैं, जब हम इस पे हीट अप्लाई करते हैं, एनर्जी अप्लाई यहां पे अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द हीट. तो यहां पे ये ब्रेक होगा, ये स्प्लिट होगा ये सिंगल सबस्टेंस इनटू लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, यहां पे ऑक्सीजन भी निकलता है. सिंगल सबस्टेंस आप यहां पे देख लीजिए, स्प्लिट हो रहा है इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस. यहां पे तीन सिंपलर सबस्टेंसेस में स्प्लिट हो रहा है, कैसे, बाय अप्लाइंग हीट. देन द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बैलेंस कीजिए इस रिएक्शन को,
चलिए यहाँ पे आप नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन दो है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे टू आएगा, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आपका जो नाइट्रोजन ये कितने आ गए, ये दो आ गए। अब लेड यहाँ पे देख लीजिए, ये एक है, यहाँ पे लेड एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे टू टू ये फोर टू हो गए, टू टू फोर प्लस सिक्स एक हो गए सेवन, यहाँ पे आएगा थ्री टू सिक्स। यहाँ पे अगर हम टू मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अगर हम टू मल्टीप्लाई करेंगे, जरा आप यहाँ पे देख लीजिए, लेड आपके दो बन गए, लेड आपके दो बन गए, ठीक, ऑक्सीजन आपके यहाँ पे दो, टू टू और फोर, फोर प्लस टू हो गए छः, प्लस टू हो गए एट, थ्री टू और सिक्स इंटू टू हो गए एट, ये भी बराबर हो गया। अब जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे टू इंटू टू हो गए फोर, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ये कितना आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे ये टू है, यहाँ पे नाइट्रोजन लेकिन आगे टू है तो ये आएगा फोर, यहाँ पे नाइट्रोजन ये टू है, यहाँ पे आएगा फोर, अगर यहाँ पे हम फोर डालेंगे तो फोर ये आएगा, फोर टू आर एट, प्लस टू हो गए टेन, प्लस टू हो गए ट्वेल्व, थ्री टू आर सिक्स और टू हो गए ट्वेल्व, ये बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे काउंट कीजिए फिर से, लेड कितने हैं, लेड यहाँ पे दो है, लेड यहाँ पे दो है, क्लियर, नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, एक तो ये दो है और ये दो है, नाइट्रोजन यहाँ पे दो है क्योंकि ये जो बाहर स्क्वेयर में ये जो टू यहाँ पे ये इसका भी मल्टीप्लाई है, ये इसका भी मल्टीप्लाई है, तो ये टू इसका भी है, इसका भी है। अब यहाँ पे आगे भी आपने टू लगाया, अगर हम इसको ऐसे बॉक्स में रखेंगे, बॉक्स के बाहर जो आप मल्टीप्लाई करते हो, ये टू इसका भी मल्टीप्लाई है, ये इसका भी मल्टीप्लाई है, यहाँ से नाइट्रोजन दो है और ये दो हो गए, टू इंटू टू हो गए फोर, नाइट्रोजन यहाँ पे चार आ गए। अब अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन के आगे फोर लगाएंगे तो नाइट्रोजन भी फोर हो गए। फिर ऑक्सीजन को देखिए, थ्री टू आर सिक्स, सिक्स इंटू टू हो गए ट्वेल्व। अब इसमें ऑक्सीजन को काउंट कीजिए, दो इसमें, फोर इंटू टू हो गए ये दो इसमें, फोर इंटू टू हो गए आठ और दो इसमें, आठ और दो हो गए दस, दस और दो हो गए बारह, यहाँ पे ये बारह हो गए। तो ऐसे ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आप इसको चेक कर सकते हो, लेड नाइट्रेट इसके आगे टू, लेड ऑक्साइड इसके आगे टू और यहाँ पे फोर, तो ये कोएफिशिएंट्स डालने से ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास एक कंपाउंड है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट देंगे, हीट देने से ये कंपाउंड स्प्लिट होता है इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लुक हियर, सिंगल सब्सटेंस यहां पे स्प्लिट हो रहा है इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग हीट, देन द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, यहां पे भी थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। अब यहां पे इसको देखिए आप, इज इट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, यहां पे कैल्शियम एक, यहां पे कैल्शियम एक, यहां पे कार्बन एक, यहां पे कार्बन एक, यहां पे ऑक्सीजन तीन, यहां पे वन प्लस टू, यहां पे ऑक्सीजन तीन, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हो गए दो एग्जाम्पल्स इसमें। इसके बाद नंबर थर्ड वो है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन भी किस वजह से होती है, जब हम उस कंपाउंड को क्या अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोरेट, के क्लोरेट KClO3, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम क्लोरेट, ये ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस, वन इज KCl प्लस O2, यहां पे सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग हीट। पहले देखिए डिकम्पोजिशन हो रही है, हो रही है, डिकम्पोजिशन का मतलब जब सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होगा इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंगल सब्सटेंस यहां पे स्प्लिट हो रहा है इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस, कंडीशन क्या है, बाय अप्लाइंग हीट, देन द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसको बैलेंस करते हैं, जरा यहां पे देखिए कैसे बैलेंस हो जाएगी, ऑक्सीजन यहां पे दो है, यहां पे ऑक्सीजन तीन है, यहां पे क्लोरीन एक है, पोटेशियम यहां पे एक है। अगर यहाँ पे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे हम टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन आपके कितने बने, थ्री इंटू टू हो गए सिक्स, यहाँ पे ऑक्सीजन दो ही है, दो को क्या मल्टीप्लाई करें, सो देट सिक्स के बराबर आए, तो यहाँ पे हम तीन मल्टीप्लाई करते, थ्री मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, टू मल्टीप्लाई करने से आपका पोटेशियम भी ये दो हो गए, तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे क्या एड, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, सो देट ये टू हो जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आगे टू। अब पोटेशियम भी दो, क्लोरीन भी दो, यहां पे आप क्लोरीन देखिए, क्लोरीन दो, ऑक्सीजन आपके छह, यहां पे ऑक्सीजन आपके छह, तो ये हो गई आपकी
balanced chemical equation. आपने इसको बैलेंस किया by heat and trial method. So potassium chlorate ये decompose हो रहा है, ये split हो रहा है into two simpler substances by applying heat. The reaction is called as, इस reaction को हम thermal decomposition reaction कहते हैं. ये हो गया पहला type decomposition reaction का. इसके बाद number second, move to the second one, वो है electrolysis. अब अगर decomposition होगी, अगर decomposition किस वजह से हो रही है, यानी आपका single substance ये split हो रहा है into two simpler substances, into three simpler substances. Substance आपके पास एक ही है, आपके पास reactant एक ही है, आप उसी एक substance को split कर रहे हो into two or more simpler substances. But कैसे? By applying heat or by applying electricity. Now you are applying electricity to the compound, to the single compound, and the single compound it splits into two or more simpler substances. Such type of decomposition reactions are called as, they are simply called as electrolysis. Electro का मतलब होता है electricity and lysis का मतलब होता है split होना. यानी single substance electricity की वजह से split हो रहा है into two or more simpler substances. Such type of decomposition reactions are called as, they are called as electrolysis. Decomposition reaction which takes place when electric current is passed through the compound in the molten state or in the aqueous solution are called electrolytic decomposition reactions. ऐसी reactions को हम electrolytic decomposition reactions कहते हैं, या simply they are called as, या the reactions are simply called as electrolysis. Examples, electrolysis of water. ये आपका water है H2O. इसमें जब हम electric current pass करते हैं, electricity, या हम पे लिखेंगे सीधे electricity, जब हम यहाँ पे electricity pass करते हैं, तो ये single substance split होता है into two simpler substances. What are the simpler substances? One is H2 plus O2. Decomposition हुई है, आप यहाँ पे देख लीजिए, single substance split हो रहा है into two simpler substances. It means that decomposition हुई है. अगर decomposition किस वजह से हुई है? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है. तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, तो क्या आगे मल्टीप्लाई करना है सो दैट ये 2 के बराबर आए. यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है 2, मगर मल्टीप्लाई 2 करने से आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 4, 2 इंटू 2 हो गए 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 2 से. हीट एंड ट्रायल मेथड सिंपल मेथड है. इसके बाद नंबर सेकंड, दूसरे एग्जांपल आप देख लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. ये हमारा साल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड. इसमें जब पहले इसको या तो एक्वस सॉल्यूशन बनाना है या इसको मोल्टन स्टेट में लाना है. फिर इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दिस NaCl, और वी कैन से थ्रू द मोल्टन स्टेट ऑफ द NaCl, this NaCl it will split it into, yeah, ye split up ho jayega into two simpler substances. The simpler substances are Na plus Cl2. ye Cl2 bahar nikalte hain, the gas ki form mein bahar nikalta hai. Yahan pe aap dekh lijiye chlorine yahan pe 2 hai, yahan pe chlorine 1 hi hai, to yahan pe kya multiply kare so that ye 2 ke barabar aaye? Yahan pe 2 multiply karna hai. Ab 2 multiply karne se aapka sodium ye 2 ho gaye, aur yahan pe hum 2 multiply karenge to sodium aapka ये भी 2 हो जाएंगे. इसके बाद नंबर थर्ड, तीसरी एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. एल्युमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3. ये आपका एक कंपाउंड है एल्युमिनियम ऑक्साइड. इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा? ये सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाएगा इंटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस, Al प्लस O2. एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग निकलेंगे, तो डिकम्पोजिशन हो रही है. डिकम्पोजिशन किस वजह से हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी से, या इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है. दिस डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. इसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं. अब बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहां पे हम वही ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आपने हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके देना है. यहां पे एल्युमिनियम 2, यहां पे एल्युमिनियम 1 ही, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2. ऑक्सीजन यहां पे 3, यहां पे ऑक्सीजन कितने? यहां पे ऑक्सीजन 2. अगर यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे 2 डालेंगे, 2 यहां पे मल्टीप्लाई करने से आपके एल्युमिनियम 4 हो गए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस एल्युमिनियम के आगे अब हम क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे. अब हमारा एल्युमिनियम 4 हो गया, यहां से भी एल्युमिनियम 4 हो गया, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 3 × 2 हो गए 6, यहां पे ऑक्सीजन 2, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये बैलेंस हो जाएगी ऐसे. इसके बाद एक और टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है फोटोलिसिस. अब यहां पे सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है, तीनों केस में सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मगर कभी सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, कभी हीट की वजह से, हीट की वजह से होगी तो देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा कोई कंपाउंड तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। अब अगर सनलाइट की वजह से कोई सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस देन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज, उसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच टेक्स प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन और सिंपली फोटोलिसिस। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं या सिंपली इनको हम फोटोलिसिस कहते हैं। ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एज दे रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एक सब्सटेंस हम स्प्लिट कर रहे हैं, या तो हीट की वजह से कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कर रहे हैं, या सनलाइट की मदद से कर रहे हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट, ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। तो वो रिएक्शन जहां पे एक सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दैट इज व्हाई हम कहते हैं जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं दे ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर, या दे ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। व्हाई सो, बिकॉज़ ये इन सारे रिएक्शंस में, चाहे वो आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो फोटोलिसिस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस हो, इन सारे रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, व्हाट दे आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो याद रखना है, जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वहां पे आपने एनर्जी देनी होती है। इनके साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, वहां पे एनर्जी इवॉल्व होती है। आपने कंबशन देखी कार्बन की, कोल की, जब कोल की हम कंबशन करते हैं तो वहां पे एनर्जी भी निकलती है। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे एनर्जी इवॉल्व होती है, बात समझ में आ रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये कह सकते हैं जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, और जो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। चलिए इसमें एग्जांपल्स आपको बताएंगे। पहली एग्जांपल, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मूला है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम बाहर रखेंगे, धूप में रखेंगे, तो इसमें क्या पड़ेगी, सनलाइट। तो ये सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट होता है टू सिंपलर सबस्टेंसेस, सिल्वर प्लस क्लोरीन। बाहर यहां पे अगर हम उसको रखेंगे एक्सपोज टू द सनलाइट, व्हाट विल हैपन टू दिस सिंगल सबस्टेंस, दिस सिंगल सबस्टेंस इट विल स्प्लिट इनटू टू सिंपलर सबस्टेंसेस, नंबर वन सिल्वर प्लस क्लोरीन। बैलेंस कीजिए, क्लोरीन वहां पे दो, यहां पे क्लोरीन एक, इसका मतलब यहां पे टू मल्टीप्लाई करेंगे। अब टू मल्टीप्लाई करने से आपका सिल्वर भी कितना हो गया, ये भी दो हो गए, तो यहां पे आप टू मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे आपकी जो केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस हो गई, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। दूसरी एग्जांपल जरा देखते हैं, दूसरी एग्जांपल क्या है, फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। वो तो ऐसे ही है AgBr, अभी आपके पास सिल्वर क्लोराइड था, अब यहां पे हम ले रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसकी भी हमने यही फोटोलिसिस करनी है। कंडीशन तो सेम है, सनलाइट यहां पे लिखेंगे, तो क्या होगा अगर इसको एक्सपोज किया जाएगा टू द सनलाइट, व्हाट विल हैपन टू दिस सिंगल सब्सटेंस विल स्प्लिट इनटू, शाबाश, ये ब्रेक हो जाएगा Ag+Br2। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यहां पे ब्रोमीन कितने हैं, दो, यहां पे ब्रोमीन एक ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे टू से, मल्टीप्लाई टू करने से आपके सिल्वर दो हो गई, तो यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए टू, ऐसे आपकी ये केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस हो गई। इसके बाद नंबर थर्ड, तीसरी एग्जांपल वो है फोटोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मूला H2O2, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस पे अगर हम सनलाइट डालेंगे, सनलाइट, तो क्या होगा, दिस सिंगल सब्सटेंस ये स्प्लिट हो जाएगा इंटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस, H2O+O2, ऐसे। यहां पे अब इसको बैलेंस करेंगे, पहले आप देखिए यहां पे डिकम्पोजिशन हो रही है कि नहीं हो रही है, सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है इंटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस, डिकम्पोजिशन हुई है। डिकम्पोजिशन किस वजह से हुई है, सनलाइट से हुई है, तो क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस। हाइड्रोजन यहां पे दो, हाइड्रोजन यहां पे दो, अगर यहां पे हम दो मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, चार। अगर यहां पे दो मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन आपके चार हो गए। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं,
टू इंटू टू हो गए फोर, ऑक्सीजन यहाँ पे टू इसमें और दो इसमें, ये इसी के साथ बैलेंस हो गई हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये हो गए हमारे दो टाइप्स। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका कोई टाइप हमने नहीं पढ़ा, लेकिन दूसरी जो रिएक्शन जो हमने डिस्कस की डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके तीन टाइप्स हमने आपको बताए विद एग्जाम्पल से, और इन एग्जाम्पल्स को हमने बैलेंस भी किया। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट से होगी, इलेक्ट्रोलिसिस अगर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोजिशन हो रही है, एक सिंगल सबस्टेंस सब्लिट हो रहा है इंटू टू सिंपलर सबस्टेंसेस, या फोटोलिसिस लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से अगर सिंगल सबस्टेंस सब्लिट हो रहा है इंटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस, देन द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फोटोलिसिस। ये दो टाइप्स केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट हो गए। तो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो टाइप्स है इसमें आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस, और एक टाइप आता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो यही रहेगा, जो इसके बाकी टाइप्स है उन्हीं टाइप्स को नए सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।